हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस बैंक के लिमिटेड के शेयर के बारे में। एक्सिस बैंक बहुत अच्छा बैंक है, इंडिया के अंदर काफ़ी ग्रोथ कर रहा है। फिलहाल इसकी करंट सिचुएशन देखें तो काफ़ी अच्छी चल रही है। अब बात करते हैं इसके एनालिसिस के बारे में। काफ़ी अच्छा शेयर है, इसके जो टारगेट है 750 से 1000 के बीच का टारगेट है, काफ़ी अच्छा है। और डेली परफॉर्मेंस इसकी 2.5% तक रह सकती है। अब बात करते हैं इसके शॉर्ट टर्म ड्राइवर के हिसाब से, यदि आप पॉजिटिव ले सकते हैं तो आप ले सकते हैं इसे, और लॉन्ग ड्राइव में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा शेयर है। अब बात करते हैं बुलिश की। बुलिश इसकी बहुत बुलिश की तरफ जा रहा है, मतलब ये जो शेयर है काफ़ी अधिक ट्रेंड कर सकता है। अब बात करते हैं डायरेक्टिव के बारे में। डायरेक्टिव में जो इसका वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं फंडामेंटल्स। 21 जो प्राइवेट बैंक हैं उनमें से चौथे नंबर पर ये बैंक आता है। इसका सबसे कम जो प्राइस है 100 रुपये है, और सबसे हाईएस्ट प्राइस 671 रुपये है, और जो आगे बढ़ सकता है काफ़ी अच्छा है। इसकी वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है और फाइनेंशियल ट्रेंड भी इसका पॉजिटिव चल रहा है। यदि ये बैंक ग्रोथ करता है तो 3000 करोड़ रुपये के आसपास का रिटर्न कर लेता है, और जो इसकी डाउन होता है तो इसका जो कमी है 1600 करोड़ रुपये तक का कर लेता है। अब बात करते हैं स्टॉक DNA। इसका जो रिटर्न है फिलहाल एक साल की हम देखें तो काफ़ी माइनस में चला गया है, आने वाले समय में पॉजिटिव हो सकता है। सेक्टर में क्या है, इसका योगदान 11% के आसपास और सेंसेक्स में 18% के। अब बात करते हैं इंडस्ट्री है, प्राइवेट बैंक है, कॉरपोरेट और पर्सनल लाइफ में काफ़ी अच्छा योगदान है। इसकी जो मार्केट कैप है दूसरे बैंकों से बहुत ज़्यादा है, 2,34,53 करोड़, काफ़ी अच्छी है। और इसकी जो डिविडेंड है 0 चल रही है, और पी रेशियो आज बहुत अच्छा चल रहा है इसका, अन्य सालों के मुकाबले 63.33% तक पी रेशियो है, काफ़ी अच्छा है और आगे बढ़ने की आशा है। प्रोमोटर इसके 14% तक है, और जो म्यूचुअल फंड में योगदान है 18% तक है, और नॉन इंस्टीट्यूशन में इसका योगदान 12% तक है। ये जो शेयर है बहुत अच्छा बैंकिंग शेयर है, इसने पहली बार जो अपना हिट किया है 671 तक। इसका सबसे मिनिमम जो रेट था 100 रुपये था, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फिलहाल जो बैंक है प्राइवेट सेक्टर में आता है, और इसकी जो क्वालिटी काफ़ी गुड मानी गई है। चार्ट के हिसाब से देखें तो आप इसे देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं अपने हिसाब से भी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।